तो हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहे। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो पाइप है हमारा, ये छत का पाइप है जो ड्रेन करने के लिए होता है पानी को, और हम आज इसको लगवाने वाले हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता दोस्तों, इसे आप घर पर भी खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहले से पाइप लगा हुआ है और हम इसमें ये वाली जाली लगाएंगे इसके ऊपर से, जिससे क्या होगा, जो हमारा पानी है उसके नीचे ड्रेन हो जाएगा। और ये जाली इसलिए लगाई जाती है ताकि इसमें जो कचरा वगैरह है वो पाइप के अंदर ना फंसे, और जिससे कि आपको कभी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अभी ये पाइप देख रहे होंगे कि ये पाइप जो है थोड़ा सा बड़ा हो रखा है, तो हम इसको जो है काटेंगे। इसको काटने के बाद जो है तब हम इस जाली को सीमेंट लगा करके फिक्स करवा देंगे। तो दोस्तों, इसे काटने के लिए हमें जो है एक हेक्सा ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका हेक्सा ब्लेड है, क्योंकि यहाँ पर जो आरी का जो फ्रेम होता है उसकी हेल्प से हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सी जगह कम है। तो दोस्तों, अब हम इसको काटना शुरू करेंगे, और काटने के बाद इसको इसके ऊपर से इस तरीके से रख करके और सीमेंट से इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए आप मेरी ऐसी वीडियो को, और आने वाली आगे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने इस पाइप को काट लिया है, बिल्कुल मिला करके कटवा दिया है। अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दाग दे करके सीमेंट लगा करके इसको फिक्स कर दिया जाएगा इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर खोद करके इसको यहाँ चारों तरफ सीमेंट लगवाएंगे, और सीमेंट लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से फिक्स हो जाएगी।